हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान का विकास तो कैसे हुआ, क्या कार्य प्रणाली रही है इसकी। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने इसे पारित किया था और 1949 तक इसकी कार्य प्रणाली रही है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता, जो पहला अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था अठारह सौ अट्ठावन का भारत चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश सरकार जो थी ना, उसने क्या किया था, भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपने अधीन कर रखा था। तो 1858 में क्या हुआ था, जो भारतीय जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, भारतीय शासन व्यवस्था मतलब भारतीय शासन अधिनियम पारित कर लिया। तो इसके जरिए क्या हुआ था कि जो लॉर्ड जनरल गवर्नर थे ना, उन्होंने क्या किया था, ये जो भी पहले तो क्या होता था कि सारा जो लेखा जोखा जो होता था वो ब्रिटिश के सरकार को दिया जाता था, मतलब भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को देती थी क्योंकि उनके निहित थी। पर जैसे ही लॉर्ड जनरल गवर्नर बने तो सारा लेखा जोखा क्या उनके अधीन हो गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय शासन अधिनियम पारित कर दिया गया था जिसमें क्या हुआ था कि 15 सदस्यों द्वारा है ना परिषदों का निर्माण किया गया, मतलब 15 सदस्यों के द्वारा परिषद का निर्माण हो गया था, जिसमें अब वो क्या लॉर्ड जो गवर्नर था ना भारत का, उसने क्या किया कि जो सारा लेखा जोखा था ना वो भारत के लोग उसे ही देने लगे थे, मतलब उसी के अंदर में कार्य होने लगा था। उसके बाद में एक अधिनियम पारित हुआ था इकसठ का भारतीय परिषद। परिषद अधिनियम तो 1861 में क्या हुआ था कि जो 1861 में जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसने क्या कर दिया था कि 15 सदस्य थे तो इनकी जो सदस्यता की कि जो परिषदों की कार्यप्रणाली क्या अलग होने लगी थी धीरे धीरे। तो जो 1861 में परिषदों ने क्या कि जनरल जो था ना उसको शक्तियां प्राप्त हो गई थी, तो उसने क्या किया था कि जो पंजाब बंगाल में जो पश्चिमी प्रांत थी ना उसमें अपने परिषदों का विस्तार कर दिया था, मतलब स्थापना कर दी थी 1861 में। क्योंकि हमने क्या किया था 1861 में मांग की थी स्वाधीनता, यानी कि खुद के स्वाधीनता और स्वतंत्रता की मांग कर दी थी भारतवर्ष ने, मतलब भारत के लोगों ने कर दी थी। तो 1861 में तो ये हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1892 में शासन अधिनियम पारित हो गया था ना, तो उसमें परिषद क्या करने लगे थे, अब इसमें 15 जो सदस्य थे 1892 में, वो क्या सरकार से क्या मतलब जो ब्रिटिश सरकार से क्या ब्यौरा मांगने लगे थे, मतलब बजट का या फिर व्यवसाय का, संसाधन का, हर चीज का क्या लेखा जोखा अब वो खुद रखने लगे थे। तो उसपे क्या होती थी कि जो कैबिनेट में जब बैठकें होती थी तो उसमें बहसबाजियां होती थी, तो जिससे क्या हो गया था कि लड़ाई दंगे चालू होने लगे थे, मतलब शुरुआत हो गई थी इस चीज की। और इससे क्या हो गया था कि जो अप्रत्यक्षी जो दल थे ना वो लोग क्या कर रहे थे कि ना चुनाव की प्रणाली का विस्तार भी होने लग गया था 1892 में, क्योंकि हम चाहते थे कि स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता मिले, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या बहुत ज्यादा मतलब जुर्म वगैरह ढाती थी, लोगों को मारती थी, कर वसूल करती थी।
तो 1892 में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे हुआ था ना, अधिनियम पारित हुआ था, वो हुआ था 1909 में, 9 का तो 1909 में भारत का परिषद अधिनियम लागू हो गया था 1909 में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश के जो जनरल थे ना लॉर्ड कर्जन ने, उन्होंने 1905 में क्या किया था, बांग्लादेश के विभाजन के लिए अध्यादेश जारी किया था, मतलब भेजा था हमारे पास। तो इसमें क्या थे कि उन जो भारत के जो सचिव थे ना, उनके नाम बताती हूँ मैं आपको, जॉन मॉर्ले, भारत के जो सचिव यानी कि जो जनरल गवर्नर जनरल थे जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था कि इस अध्यादेश के विभाजन को है ना, मतलब पारित नहीं किया था, मतलब बांग्लादेश के विभाजन को पारित नहीं किया था पहले, तो फिर बाद में कर दिया था इन्होंने धीरे धीरे जब लड़ाई कर गई। तो इससे क्या हो गया था कि मुस्लिम और जो हिंदुओं में है ना, उसमें राष्ट्रीय उग्रतावाद की भावना, मतलब लड़ाई दंगे होने लगे थे। तो इससे एक तरीके से ये हो गया था कि विभाजन की प्रणाली आ गई थी दो देशों के बीच में, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, दो राज्यों के बीच में। तो इसको जो सुधार की प्रणाली आई थी ना, वो इन जो सचिव थे ना जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने, इन्होंने सुधार किया था राष्ट्र उग्रतावाद में, मतलब उग्रतावाद लड़ाई दंगों में सुधार किया था, तो ये सुधारवादक भी कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अध्यादेश जारी हुआ था वो हुआ था अधिनियम जो 1919 का, परिषद तो 1919 में क्या होने लगा कि जो है ना, मतलब इसमें ना दो प्रांतों में, मतलब है ना, एक तो दो प्रांतों में विभाजन कर दिया गया था। तो पहला जो प्रांत का नाम था ना, वो था केंद्रीय प्रांतीय द्विसदनात्मक प्रणाली विधायकों द्वारा पारित कर दी गई थी, और दूसरा जो नाम था वो था देवते शासन प्रणाली। तो इसमें थे क्या करा गया था कि जो भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी सार्वजनिक रूप से जो कार्य होते थे ना, मतलब सरकारी जो जितने भी जो समाचार पत्र वगैरह होते थे, विद्यालय वगैरह, उन पे क्या करने लगी थी सरकार, खुद का मतलब जनरल जो लॉर्ड जनरल होते थे वो खुद का मतलब शासन जमाने लग गए थे उस पर धीरे धीरे। लड़ाई दंगे भी हो रहे थे पर शासन जमने लग गए थे इससे 1919 में, मतलब स्वाधीनता की जो मांग थी ना वो धीरे धीरे पूरी होने लगी थी, जिससे ब्रिटिश सरकार 1919 के पारित होने के बाद में डरने लगी थी धीरे धीरे कि अब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति पे, मतलब प्राप्ति पे भी है और संविधान का भी निर्माण करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1935 में, 35 का भारत का जो भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ था ना, तो इसमें क्या हुआ था सबसे पहले तो कि 1919 का सारा जो सार्वजनिक रूप से जितना भी ब्यौरा था ना, वो 1935 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो 1919 से लेकर 1923 तक जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन या लड़ाई हुई थी ना, उग्रवाद, राष्ट्रीय उग्रवाद की वजह से वो जो हुई थी ना, सब जोड़ी गई थी। तो राष्ट्रवाद का नुकसान भी खूब हुआ था और थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ था। तो इसमें खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ, या फिर
रॉलर एक्ट जो हुआ था 1919 में, इतनी तीन से चार क्रांतियां हुई थी इसमें। और 1935 में क्या हुआ था कि ये ऐलान हो गया था कि सरकार ये ऐलान कर चुकी थी मतलब कि अब ये जो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मतलब भारत जो वर्ष के लोग हैं वो शुरुआत कर चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया था 1946 में कैबिनेट मिशन की शुरुआत की थी, मतलब एक बैठक बुलवाई थी। तो नेक्स्ट जो अधिदेश है वो क्या पारित किया था मैं आपको बताती हूँ। कैबिनेट मिशन तो 1946 में क्या हुआ था कि सारी जब ये क्रांतियां जुड़ गई थी ना 1935 में, तो 46 में कैबिनेट मिशन लागू किया था जिसमें क्या हुआ था कि गोलमेज सम्मेलन जितने भी हुए थे ना उनको जोड़ दिया गया था। तो अब क्या ब्रिटिश सरकार एलेटिंग जिसका नाम जो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री का नाम था एलेटिंग, तो उन्होंने क्या किया था तीन सदस्यों मतलब सचिवों को यहाँ पर भेजा था जिसमें से एबी अलेक्जेंडर ने ना मतलब ये कैबिनेट मिशन में कुछ प्रस्ताव मतलब कि रखे थे पर उनको हम लोगों ने नहीं माना। हमने बोला कि हमें आजादी चाहिए मतलब संविधान संवैधानिक अधिकार चाहिए हमें, तो हमने उनको पास नहीं किया। पर उससे क्या हुआ था पास नहीं किया तो उसके बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी ना उसने ये अध्यादेश मतलब मान लिया था, घोषणा कर दी थी कि अब स्वाधीनता देनी पड़ेगी यानी कि स्वतंत्रता, मतलब धीरे धीरे वह लोग अपने राज्य में जाने लगे थे। तो ये कब हुआ था फिर एक अध्यादेश और पारित हुआ था 1946 में के बाद में हुआ था, यहाँ लिख देती हूँ मैं 1947 में हुआ था। माउंट बैटन बैटन मिशन एक्ट यानी कि 1947 में क्या हुआ था कि माउंटबेटन एक्ट पारित हो गया था। मतलब ये क्या था भारत के माउंटबेटन क्या थे गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने क्या किया कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या किया था इन्होंने मतलब एक्ट पारित कर दिया था कि अब हमें चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे ब्रिटिश सरकार को माउंटबेटन ने बार बार मतलब पत्र पहुंचाए थे कि हमें स्वतंत्रता की मांग की, तो जो ब्रिटिश सरकार थी ना उन्होंने मांग घोषणा कर दी थी 1946 में ही कि हाँ हम घोषणा हो गई थी। और जून 1947 में मतलब स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया था हमें भारतीय वर्ष को। और उसके बाद क्या हुआ था ये माउंटबेटन जो चुने गए थे दूसरी बार फिर से भारत के जनरल लॉर्ड, तो 15 अगस्त में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही घोषणा हो गई थी और 1947 में है ना हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी और संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता की भी प्राप्ति हो चुकी थी इसके जरिए। ठीक है तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगी।